हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अवर चैनल चार्ट विद ट्रेड। आज के वीडियो में हम हिंदुस्तानी यूनिलीवर शेयर का डिटेल्स में प्राइस एक्शन एनालिसिस करेंगे। इस स्टॉक का प्राइस में अभी क्या चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है और आने वाले टाइम में क्या प्राइस एक्शन बन सकता है। उससे पहले अगर अभी तक आप चार्ट विद ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए, आपके स्क्रीन के सामने ये जो चार्ट ओपन हुआ है, ये ओपन हुआ है हिंदुस्तान यूनिलीवर का और यहाँ पर जो मैं टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हूँ वीकली। देखिए, इस स्टॉक का प्राइस ऑलरेडी उसका मेजर टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में चल रहा है एंड प्राइस देखिए यहाँ पे 2021 सितंबर से अभी तक कंसोलिडेशन कर रहा है एंड हाई प्रोबेबिलिटी कि अभी जिस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है ना, प्राइस उसका मल्टी ईयर हाई को ब्रेक कर सकता है जो कि अराउंड बन रहा है 2750 के आसपास। यहाँ पे देखिए, प्राइस जो हाई बनाया था 20 सितंबर 2021 में, ये हाई बनाने के बाद प्राइस देखिए यहाँ पे करेक्शन में चला गया था एंड प्राइस देखिए उसका अपर बाउंड्री के आसपास यहाँ पे एक बार टेस्ट किया एंड टेस्ट करने के बाद प्राइस अभी ब्रेकआउट करने के लिए रेडी है एंड जिस टाइप का अभी प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, हाई प्रोबेबिलिटी कि प्राइस जो इसका अपर बाउंड्री है उसको ब्रेक कर सकता है। लेकिन इस स्टॉक का प्राइस उसका मल्टीयर को ब्रेकआउट करने से पहले अभी हम उसको प्रीअटर्म कर सकते हैं जिस टाइप का डेली टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन बन रहा है। मैं आपको मल्टीपल टाइम बताया हूँ कि अगर लाइफ हाई के आसपास नहीं तो लाइफ हाई में अगर स्टॉक का प्राइस कंसोलिडेशन करता है एंड एक वेल डिफाइंड बाउंड्री को मल्टीपल टाइम टच करता है, उसके बाद अगर ब्रेकआउट आएगा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, हाई प्रोबेबिलिटी की वहाँ से एक बार कंटिन्यूशन मूव आ जाता है एंड उसके बाद एक बड़ा मूव भी आ सकता है जब प्राइस उसका मल्टीयर का हाई को यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा। लेकिन डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे हमको चैनल से प्राइस ने ब्रेकआउट दिया है विथ मारुबाजू कैंडल, जो कि मैं अभी आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ एंड यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम डेली कर लेता हूं। ये ब्लैक लाइन यहां पे हो गया मल्टीयर का रेजिस्टेंस जो कि बन रहा है अराउंड 2740-50 के आसपास। अगर आप आज का कैंडल देखेंगे एचयूएल में, देखिए एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मारुबाज कैंडल बना है। अगर किसी भी स्टॉक का प्राइस कोई भी चैनल को नहीं तो ऑयल डिफाइंड रेजिस्टेंस को इस टाइप का मारुबाज कैंडल के साथ ब्रेक करता है ना, हाई प्रोबेबिलिटी की एक बार कंटिन्यूएशन मूव आ सकता है क्योंकि प्राइस देखिए ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड चैनल के अंदर चल रहा था। चैनल का अपर बाउंड्री को प्राइस यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मारुबाज कैंडल बना है। उसके साथ अगर मैं वॉल्यूम को ऐड कर दूंगा तो देखिए एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम के साथ एक कैंडल बना है। जिस टाइप का कैंडल यहाँ पे देखने को मिल रहा है डेली टाइम फ्रेम में, यहाँ पे अगर प्राइस पुल बैक करेगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा इस कैंडल का 50% तक पुल बैक कर सकता है। तो आपको इस 50% का जोन में अकुमुलेशन करना है, एक साथ कभी भी क्वांटिटी नहीं लेना है एंड स्टॉप लॉस रहेगा आज का लो। आज का लो यहाँ पे बना है नियरली 2527 के आसपास। आज का लो के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं एंड जो पहला टारगेट बनेगा वो बनेगा यहाँ पे जो अपर बाउंड्री बन रहा है मल्टीयर का रेजिस्टेंस 2710 के आसपास, जो कि एक शॉर्ट टर्म का टारगेट बनेगा क्योंकि इस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास शायद प्राइस थोड़ा नॉर्मल पुल बैक कर सकता है। अगर प्राइस यहाँ पे 2750 को एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक कर देता है ना, उसके बाद इस स्टॉक का टारगेट जो बनेगा उसको अभी मेजर करेंगे फिबोनाची यूज करके, क्योंकि उसके बाद प्राइस लाइफ हाई को चला जाएगा तो लाइफ हाई में कोई भी सप्लाई डिमांड लेवल नहीं रहता है, इसलिए वहां पर हम यूज करते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन को। अगर यहाँ पे मैं फिबोनाची एक्सटेंशन को यूज करूंगा तो यहाँ पे जो सितंबर 2021 में हाई बना था उसको अभी जो लेटेस्ट लो बना है उसके साथ जॉइन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो मेजर टारगेट बनेगा वो बनेगा फिबो लेवल 1.272 का, जो कि बन रहा है 3100 के आसपास एंड जो सेकंड टारगेट बनेगा 1.618 का फिबो लेवल, जो कि बन रहा है 3400 के आसपास। स्टॉक का प्राइस जैसे ही 2750 के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगा, ये दोनों टारगेट आ सकता है। थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि लार्ज कैप है, धीरे धीरे करके मूव करेगा, इसको मैनेज कीजिएगा एंड एक साथ कभी भी क्वांटिटी मत लीजिएगा। यहाँ पे कुछ क्वांटिटी लीजिएगा एंड जब यहाँ पे मल्टीयर का जो रेजिस्टेंस जोन बन रहा है 2750 के आसपास, उसी लेवल को ब्रेक करेगा तो वहाँ पे फिर से आप ऐड कर सकते हैं एंड स्टॉप लॉस के लिए आज का लो को आप कंसीडर कर सकते हैं, नहीं तो इस कैंडल का 50%। स्टॉप लॉस के लिए ऐसा कुछ फिक्स रूल नहीं है, वो डिपेंड करता है हर ट्रेडर का रिस्क प्रोफाइल एंड कैपिटल साइज के ऊपर। सबसे बेस्ट स्टॉप लॉस रहेगा आज का लो
नहीं तो अगर आप इतना रिस्क नहीं ले सकते हैं, इस कैंडल का 50% आप स्टॉप लॉस दे सकते हैं। 50% के नीचे आएगा तो वहां पे आप क्वांटिटी रिड्यूस कर दीजिएगा, नहीं तो एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन मैं जो कंसीडर करता हूं इस कैंडल का लो के नीचे, उसके साथ अगर यहां पे हम RSI प्लेस करेंगे तो देखिए यहां पे RSI में भी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। देखिए RSI जो है ना, जो ब्लू लाइन जा रहा है, इसी लेवल से मल्टीपल टाइम प्राइस को रेजिस्टेंस मिल रहा था। और देखिए यहां पे क्लियर कट आज RSI ने भी ब्रेकआउट दिया है। डेली टाइम फ्रेम में चैनल से प्राइस ब्रेक किया है, हाई वॉल्यूम जनरेट किया है, मारुबाजू कैंडल बना है एंड मल्टी और ब्रेकआउट से पहले एक बुलिश मारुबाजू कैंडल बना है। अगर सारा साइन देखेंगे तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस यहाँ पे कंटिन्यूएशन मूव आएगा। बस हमारा क्वांटिटी को एंड रिस्क को मैनेज करना है। आई होप कि आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। अगर कुछ डाउट है तो वीडियो नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।